गाइस प्रॉब्लम नंबर 9 को देखिएगा। प्रॉब्लम नंबर 9 आपसे ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक थर्मल पावर प्लांट है या स्टेशन है, उसके अंदर आप कोयले का इस्तेमाल करते हो, कोयला यूज़ होता है, और वो किस पर्पज़ से यूज़ होता है? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। ये तो आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आपने देखा होगा थर्मल पावर प्लांट के अंदर सबसे ज़्यादा कोयला इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है मेंशन करो ये चीज़, हाउ एनर्जी changes from one form to another before it is transformed into electrical energy। तो आपसे कह रहा है कि ये जो एनर्जी है कोल की, ये फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो उससे पहले किन किन प्रोसेस से गुजरती हुई आएगी, किस तरह की एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। देखिएगा मैं बिल्कुल पूरा इसका ऑपरेशन कर देता हूँ। सबसे पहले आप कोल लेकर गए, जब थर्मल पावर प्लांट के अंदर कोल को लेकर जाया जाता है तो कोल के पास जो होती है वो अपनी खुद की एक तरह की केमिकल एनर्जी होती है, क्योंकि वो अपने आप में केमिकल सब्सटेंस है कार्बन। जब उसको जलाया जाता है तो आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि केमिकल एनर्जी जो है, कहीं ना कहीं केमिकल एनर्जी वो कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। जब वो जलता है तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरह की एनर्जी को दूसरी तरह की एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। फिलहाल आप ये देखें, कोयले को जला दिया तो उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस करवाई, जितना जलेगा वो उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। लेकिन वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस तभी हो रही है जब एक केमिकल एनर्जी ख़त्म हो रही है, तो वो कन्वर्ट हो रही है, ख़त्म नहीं कहेंगे, कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में। तो कोयला जला, केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब ये हीट एनर्जी करेगी क्या? एक्चुअल में ये बॉयलर्स लगे हुए होते हैं थर्मल पावर प्लांट के अंदर, तो बॉयलर के अंदर पानी भरा हुआ होता है, तो ये जो हीट एनर्जी है उस पानी को गर्म करती है। जब उस पानी को गर्म करेगी तो वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देती है, मतलब इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो एक तरह की एनर्जी दूसरी तरह की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गई, वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, अब वो जो स्टीम में कन्वर्ट हो चुकी है तो एक तरह से वो भी एक, उसके पास हीट एनर्जी है, साथ में उसके पास स्पीड होती है, तो आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसके पास काइनेटिक एनर्जी, जिसको आप मैकेनिकल एनर्जी कहते हो। अब जब वो स्टीम टरबाइन के ब्लेड पर टकराती है तो टरबाइन घूमनी शुरू हो जाती है, तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जब टरबाइन घूम रही है, उसके ब्लेड घूम रहे हैं, तो उसके पास आप ये कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब जब वो टरबाइन घूमना शुरू कर देती है तो उसके घूमने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, तो अब आप ये कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? आप ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, कोयले को जलाया तो केमिकल एनर्जी को आपने हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब हीट एनर्जी आपने, उस हीट एनर्जी को इस्तेमाल किया पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। जब वो स्टीम बॉयलर के अंदर से निकल करके टरबाइन के ब्लेड पर पड़ेगी तो टरबाइन घूमनी शुरू कर देगी, तो अब उसके पास आ चुकी है मैकेनिकल एनर्जी, और वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये प्रोसेस होते हैं एनर्जी कन्वर्जन के। होप सो क्लियर हो गया होगा। डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, वरना यार जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।